Oh, la pensa con el peco. Oh, engo. तो दोस्तों एक दफ़ा एक अकेला जानवर को जंगली कुत्तों के बीच में फंस जाता है। कौन है वो जानवर और क्या वो अपने आप को इन जंगली कुत्तों से बचा पाएगा? तो चलिए देखते हैं वीडियो। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हिरण है कि और बहुत सारे जंगली कुत्ते हैं जिसने उसे घेर लिया है। हिरण को भागने का कोई मौका नहीं दे रहा, कहीं से भाग नहीं सकती पा रही वो। और देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही सारे कुत्ते, कम से कम 40 कुत्ते होंगे यहाँ पर। ये लोग बहुत ही देखने में काफ़ी छोटे छोटे दिख रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही ख़तरनाक और आतंकवादी टाइप के जानवर होते हैं, बहुत ही ख़तरनाक। ये देख सकते हो वो एक ये बाकी कुत्ते उसके हिरण के पीछे से पैरों पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं और हिरण भागने की कोशिश कर रही है लेकिन भाग नहीं पा रही। ये कुत्ते चारों तरफ से उसको घेर रहे हैं, उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। आप देख सकते हो किस तरीके से पेड़ों के अंदर घुसने की कोशिश कर रही है। और यहाँ से आप देख सकते हो जूम करके दिखाएंगे अब आपको कितने सारे कुत्ते हैं। उन लोगों ने वापस उसको घेर लिया, पकड़ लिया है हिरण को, उसको अब पकड़ के बिठा दिया है और उस पर झूम गाएंगे, इस पर को काटना शुरू कर दिया है उन कुत्तों ने। देख सकते हैं अब बहुत ही सारे कुत्ते, ये देखने में छोटे छोटे लग रहे हैं लेकिन अपनी गली के कुत्तों से तो बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। जिंदा छीन देते हैं ये लोग, जिंदा खा जाते हैं अपने शिकार को और बहुत ही दरिंदगी के साथ खाते हैं। ये नोच नोच के खा जाते हैं अपने शिकार को। देख सकते काफ़ी ज़्यादा तादाद होगी इन कुत्तों की और हिरण अकेला उसके दूर दूर तक उसको बचाने के लिए कोई और जानवर नहीं है जो उसकी मदद कर सके। हिरण अपनी कोशिश करने की पूरी कोशिश कर रही है अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन देख सकते किस तरीके से कुत्ते उसके पैरों पर हमला कर रहा है ताकि वो खड़ी ना हो पाए। काफ़ी ख़तरनाक मोमेंट है ये। और आप देख सकते हैं ये बाकी शेर की तरह गर्दन पर हमला करके उसको मार नहीं रहे बल्कि सीधा नोचना शुरू कर दिया उसको। ये जानवरों की यही खासियत होती है, जिंदा ही नोच के खाते हैं अपने शिकार को, पहले मारते नहीं, पहले नोचना शुरू करते हैं और जिंदा ही खा जाता है। अब देख सकते हैं पीछे से काफ़ी ख़राब हालात हो चुके हैं हिरण के। हिरण ने उठने की कोशिश की थी लेकिन उसको वापस बिठा दिया है उन लोगों ने नोच नोच के। इतनी तकलीफ़ के बाद कोई जानवर और ज़्यादा कोशिश भी नहीं कर पाता है जिस तरीके से ये लोग नोचना। देख सकते पूरे के पूरे पीछे से हमला कर रहे हैं, किसी ने भी उसके फेस पर हमला करने की कोशिश नहीं की, पीछे से पिछवाड़े पर हमला करते हैं ये कुत्ते। अब देख सकते हो उसकी तरफ जा नहीं रहा, बस पीछे से हमला करने में लगे हुए हैं ये बहुत सारे कुत्ते हैं। मगर और देख सकते हो हालत ख़राब होती जा रही है उसकी, हिरण की हमारी। अब वो उठने की भी कोशिश नहीं कर पा रही है, ये हालात हो चुके हैं उसके। एक बार फिर उसने कोशिश की उठने की और वापस झूम गए। अब देख सकते किस तरीके से पकड़ा हुआ है उन कुत्तों ने पीछे से, और एक कुत्ते ने आखिरकार आके उसके गर्दन पर हमला करने की कोशिश, गर्दन को दबाने की कोशिश कर दिया है। एक ने उसको और बाकी एक और दो कुत्ते और आ गएंगे। एक कुत्ते ने गर्दन को दबा के रखा हुआ और बाकी कुत्ते इलाके का जायजा सा ले रहेंगे ताकि कोई उनका शिकार को छुड़ा ना ले। पूरी तरीके से घेरा हुआ है हिरण को, हिरण की हालत काफ़ी नाजुक हो चुकी है। यहाँ पर वो लगातार अपनी कोशिश कर रही है उठने की, अपनी पूरा 100% देने की कोशिश है उसकी, लेकिन वो इतने सारे कुत्तों के सामने उसका ये कोशिश नाकाम हो रही है बार बार। और अब तो हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है हिरण के, और ये कुत्ते पूरे के पूरे झूमे हुए हैं, नोचने जुटे हुए हैं उसको। और एक और कुत्ता पास आया, उसने फिर गर्दन पर हमला करने की कोशिश कर रही है। अब देख सकते उसका गर्दन दबा कर उसको मारने की कोशिश में है वो, लेकिन देख सकते अब दूसरे कुत्ते ने भी आने की कोशिश की और वो वाला भी छोड़ के चला गया। पीछे से हमला कर रहे हैं वो लोग। गेम प्लान उनका ये हैगा कि पीछे से हमला करो, जितना तकलीफ दे सको उतना दो। देख सकते अब काफ़ी हालत ख़राब दिख रही है, पीछे से उसको काफ़ी ज़ख्म हो गए हैं। वैसे तो ज़ख्म तो होना जाहिर सी बात है, जब इतने कुत्ते आपको पीछे से नोचेंगे तो आपको तो हालात ख़तरनाक होंगे। और देख सकते हैं ये किस तरीके से इसके ऊपर आ रही है, भागने की कोशिश की उस कुत्ते ने वापस। बहुत ही बुरे हालात हैं यहाँ पर हिरण के। वो धीरे धीरे वो मौत की तरफ जाती हुई यहाँ पर चिल्लाने की कोशिश कर रही है। वो चिल्ला ही सकती है यहाँ पर, और कुछ करने के लिए उसके पास बचा नहीं है। अब उसमें खड़ी होने की भी ताकत नहीं बची, और उसको बीच में से देख सकते आप कुत्तों के पेट की पैरों के नीचे से कि हिरण का पेट फाड़ दिया है इन लोगों ने, जिंदा ही उसको फाड़ दिया है। बहुत ही ख़तरनाक, देख सकते हैं अब पूरा
पेट के दो टुकड़े हो जाएंगे, बीच में से जिंदा फाड़ दिया है हिरन को, और एक में कुत्ते ने कान पकड़ के खींच रखा और पीछे से वो लोग फाड़ लाएंगे। देख सकते हैं अब जिंदगी में आते निकाल दिए उन लोगों ने, उसकी आते पचोनी फेफड़े सब बाहर आ जाएंगे। बहुत ही ख़तरनाक हालात हो चुके हैं अब यहाँ पर हिरन के। देख सकते हैं लूटा मारी सी मचा रखी है उन लोगों ने। एक और ने आके पीछे वापस कान पर हमला कर दिया, कान पकड़ लिया है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी बुरे हालात हो चुके हैं हमारे हिरन के। उन लोगों ने बीच में बिल्कुल चीर के रख दिया और उसकी आते माते निकाल ली हैं, अब तो पेट ही खाली कर दिया उसका। आप देख सकते हैं एक कुत्ता पेट के अंदर घुस के कुछ निकालने की कोशिश कर रही, उसका बाकी सामान भी निकाल लिया लगता है। ऐसे खींच रहे हैं ये लोग जैसे पर्स में से पैसे निकाल रहे हैं, इतनी बुरी हालत। और पीछे आप देख सकते हो उन कुत्तों ने कुछ उसके पेट के अंदर से निकाल लिया है, और ये लोग बाकी एक कुत्ता गर्दन पकड़े बैठा हुआ है वापस उसी की, और ये बाकी उसके अंदर सामान निकाल रहे हैं पेट के अंदर, आते माते सब निकाल दिए। बहुत ही ख़तरनाक हालात हैं। लेकिन अब देख सकते हिरन अभी तक जिंदा है, उसका पेट फट गया है, सब कुछ बाहर आ चुका, लेकिन उसके बाद हिरन जिंदा। और यहाँ पर मैंने बताया जैसे कि देख सकते वो लोग क्या हालात को पेट के अंदर से कुछ निकाले, लगता है शायद उसका बच्चा था जो उन लोगों ने पेट के अंदर से ही निकाल लिया। और देख सकते किस तरीके से उस बच्चे को फाड़ रहे हैं, बहुत ही ख़तरनाक जानवर होते हैं ये लोग, जहाँ से पकड़ते वहीं से फाड़ देते, बहुत ही ख़तरनाक ही से अपने शिकार को खाते हैं। देख सकते हैं लूटा मारी सी मचा रखी, एक टांग पकड़ ली, एक मुंडी पकड़ के खींची है, दो टुकड़े कर दिए उस इतने से बच्चे के भी उनने। वैसे तो जाहिर सी बात है ऐसा तो हो ही गए जंगल में, वो ये नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या घास, और घास जो खाएगा उसको फिर ये खाएंगे, यही हालात हैं यहाँ के। और उन लोगों ने काफ़ी ख़तरनाक से काम करा अपना, और दोनों गुटों में बैठ गए, एक उसके बच्चे को खा रहे हैं और एक उस हिरन को खाने में लगे, और बाकी कुछ कुत्ते उस हिरन के पास जाते हुए जो अब ख़त्म हो चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी बुरे हालात हो चुके हैं यहाँ पर, अब तो ख़त्म हो चुकी है कहानी, कहना चाहिए यही, क्योंकि उस बच्चे को भी निकाल कर उन लोगों ने ख़त्म कर दिया, और उसकी माँ को भी। देख सकते हैं आप किस तरीके से ये कुत्ते पूरे इलाके में खौफ मचा रखी है इन लोगों ने, बहुत ही डेंजरस कुत्ते होते, अगर अपना पाला पड़ गया तो ये अपन लोग को भी ऐसे चीर देंगे। देख सकते किस तरीके से नोच नोच के खा रहे हैं ये लोग। वैसे जब भी इनको जंगली कुत्ता कहते हैं, ये अपने यहाँ के कुत्तों से भी ख़तरनाक होते हैं, हड्डी पे नहीं ये गोश पे लपकते हैं डायरेक्ट। तो आप देख सकते क्या कैसे खींच खींच के फाड़ फाड़ के खाते हैं ये लोग। और वैसे अब इस वीडियो में आगे कुछ खास बचा नहीं है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों जैसे हमने देखी ये वीडियो, वो जानवर अकेला पड़ गया था और कुत्तों की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए वो अपने आप को बचा नहीं पाया और कुत्तों ने उसको बहुत बुरी तरीके से नोच नोच खा गए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ताकि ऐसी और ख़तरनाक वीडियो आपको मिल सकें।